अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ही होंगी या कैंपस में भी होंगी? ये टोल ही अभी आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले आइए, वो आपका चेक होगा और आप आ जाइए क्लास में। लेकिन मैम, जो बच्चे अगर ऑनलाइन लेना चाहें वो ले सकते हैं या मतलब सबने हाँ जी, करते हैं हाँ जी, वैक्सीनेशन के बाद? बेटा वो इसलिए ले सकते हैं कि अभी वैक्सीनेशन बिल्कुल ही 3-4% पॉपुलेशन की हुई है ना, यस अभी मैम। वैक्सीन बहुत कम लोगों की हुई है, तो इस तरह से एकदम से बहुत लोगों को ऑन कैंपस अलाउ करना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए जिनकी वैक्सीनेशन हो गई है वो जरूर आ जाएं, क्योंकि आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो चेक होगा। मैम मैम आपकी फिर आवाज हमें नहीं, आप सेक्शन, आप क्लासरूम में होती हैं? हम खुद से नेक्स्ट क्लास में आ जाए जो वैक्सीनेशन हो गई है जिनकी। जी बेटा आपकी आवाज कट रही है, क्या पूछ रहे हैं? मैम आप अपना क्लासरूम बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट जिनकी वैक्सीनेशन हो गई है वो नेक्स्ट क्लास से खुद ही आपकी क्लासरूम में आ जाए क्लास लेने। एक सेकंड, मैं इसका वॉल्यूम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस जी अब आ रही है। हाँ मैम। जी, हाँ जी बेटा, जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है दे कैन कम टू द यूनिवर्सिटी एंड टेक क्लासेस ऑन कैंपस, एंड देर इज एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एज वेल। अभी इसको कम्प्लीटली ख़त्म, इस सेमेस्टर में तो ये चलेगा, बाकी कंट्रोलर एग्जामिनेशन की ईमेल आपने देखी है कि एग्जाम आपका ऑन कैंपस होगा, लेट्स सी फिर क्या होता है। मैम ठीक हमारी है, अभी वैक्सीनेशन तो कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर हमारे मिड्स का क्या होगा? कैंपस होंगे या ऑनलाइन, या जिसने वैक्सीनेशन करवाई है वो कैंपस में दे सकता है और बाकी सारे ऑनलाइन? बेटा ये फिर अब आपको कंट्रोलर साहब ने तो ऑन कैंपस का ही फिलहाल जो ईमेल आपने कुछ दिन पहले देखी है वो तो उन्होंने ऑनलाइन की ही की है, लेकिन बात ये है कि इस सेमेस्टर में हम पूरा ऑन कैंपस कर नहीं सकेंगे ना, क्योंकि इट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑनलाइन और वैक्सीनेशन इज़ नॉट कंप्लीट, तो इस सेमेस्टर को हम पूरा ऑन कैंपस कर नहीं सकेंगे। ठीक है यस मैम, मैम। जिनको हाँ फर्स्ट डोज लग चुकी है वो भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, ये कायनात है, कायनात यस मैम। तुमने लगवा ली है, पहली डोज है, अच्छी फर्स्ट बात डोज है। लग गई है मैम। हाँ शाबाश, वेरी गुड, सब लोग जो है वो लगवाएं, यस मैम। और हाँ बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला की कितनी नेमत है कि हमने ये दिन देखा कि हमारी यस वैक्सीनेशन, कितना अल्लाह का करम है, वो बीमारी जिसमें लाखों लोगों की राउंड द ग्लोब डेथ हुई उसमें अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, तो कैसा अल्लाह का करम हुआ हम पे, अल्लाह ने हमें और मौका दिया कि हम कोई अच्छा काम करें, ठीक है, कोई अल्लाह का नाम लें अच्छे तरीके से, किसी इंसान यस के काम, मैम। ऐसा उसने हमें मौका दिया। हर दिन जो हम जिंदगी का जीते हैं वो अल्लाह का गिफ्ट है, तो उसने बिल्कुल हमें मौका दिया कि हम कोई नेकी कर सके मजीद। ठीक है, यस मैम। तो वैक्सीनेशन कराइए, इलाज सुन्नत है, और बिल्कुल ना डरिए इस कॉन्टेक्स्ट में, और अपने घर वालों को और कम्युनिटी में भी स्प्रेड कीजिए, लोगों की उनका आईडी, अब आप किसी भी अपने मोबाइल फोन से किसी के भी आईडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नो मैम, अब वॉक इन भी है, आप जाएं और स्टूडेंट कार्ड और CNIC ले जाए, वो वैसे ही लगवा देते हैं। हाँ बस इस तरह की सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करें आप कम्युनिटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेट हों, ताकि लाइफ नॉर्मल हो सके इंशाल्लाह। यस मैम, जरूर। चलें जी मैम आपसे एक बेटा, चीज पूछनी थी कि मैम देखें, अभी एक्चुअली मिड्स की बात कर रही हूँ कि अब मिड्स में हम लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली वो तो कैंपस दे देंगे, लेकिन जिन्होंने करवाई वो ऑनलाइन तो दे सकते हैं ना? जी बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा, अब ये फाइनल तो जो है वो डायरेक्टर और कंट्रोलर एग्जामिनेशन ही मिलके करेंगे, मैं तो उस ईमेल की बात कर रही हूँ जो ईमेल आपको, लेकिन कल डायरेक्टर साहब से बात हुई है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि ऑन कैंपस पूरी तरह से इस दफ़ा करना इस तरह से अभी फिलहाल विदाउट वैक्सीनेशन मुश्किल होगा, बट फाइनल स्टांस तो मेरा तो नहीं हो सकता ना, फाइनल स्टांस तो डायरेक्टर साहब का और कंट्रोलर साहब का होगा। ठीक है, यस आपको मैम। आपको पता है कि इसमें यूनिवर्सिटी का बहुत इनपुट होता है, डिपार्टमेंट से ज़्यादा यूनिवर्सिटी का आउटपुट होता है, आपका आउटपुट होता है, तो हम जो है वो दोनों चीज़ों के लिए तैयार है, और मैम आप भी आपसे दोनों। एक बात और पूछनी थी, जी, जो बच्चियां मतलब हमारी कुछ फ्रेंड्स है जो कि बाहर है, क्योंकि वो अभी आ नहीं सकती ना इस टाइम, तो वो तो अभी ऑनलाइन ले ही सकती है ना? मतलब उनके लिए कंपलसरी तो नहीं है कि वो कैंपस में आए अगर वैक्सीनेशन नहीं हो भी गई है तो? ले सकती है, लेकिन बिल्कुल ले सकती है, लेकिन फर्ज करें कि एग्जाम जो है वो ऑन कैंपस हो जाते हैं, तो फिर तो उन्हें आना पड़ेगा ना।
क्योंकि मैम अभी आगे फिर आपको पता है समर वेकेशंस हो जाएंगी और फिर उनको बाहर वापस जाना पड़ेगा। हाँ, तो स्पेशल केसेस में फिर इन्हें चाहिए ना कि कंसिडर करें, तो लेट्स सी, बेहतरी होगी। ठीक है, चले मैम, होप फॉर द इंशाल्लाह। बेस्ट। चले जी, मैम हम आपने आगे। हाँ स्टूडेंट्स को एनरोल कर दी? मैम, बच्चे मैम, पूछ रहे हैं कि क्लास कौन से रूम में मिली है। क्लास कौन से रूम में? नीचे एसएचएस नहीं होती। अब कल क्लास में थ्री थ्री लोग आए हुए थे। मैम जी जी मैम रूम थ्री नंबर कौन सा होगा? बेटा ये मुझे ना नीचे एसएचएस में ही मुझे क्लास मिलती है। नीचे जो बेसमेंट नहीं है एसएचएस बिल्डिंग की, जो बेसमेंट है एचएसबी, यस उसकी मैम। मुझे क्लास हमेशा मिलती है। और आप बाहर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उससे पूछ सकते हैं कि टीचर का नाम लेके कि वो कहाँ क्लास ले रहा है, तो उन्हें पता होता है। क्योंकि ये कभी कोई क्लास दे देते हैं, कभी कोई क्लास दे देते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल नहीं देते। ठीक है, तो कल तीन बच्चे ढूंढते ढांढते आ गए थे, कल तीन बच्चे थे क्लास में। मैम आपसे पूछना था, वो हाँ, आपने एनरोल कर दिए बच्चों को जो बाकी रह गए थे, क्योंकि हमें शो ही नहीं मैंने हो रहा। तकरीबन सभी लोगों को एनरोल कर दिया बेटा। अब मुझे जो है वो फिर भी कोई रह गया तो मुझे बता दीजिएगा, इस क्लास के एंड पे मैं कर दूंगी सेक्शन ए में। ठीक है जी मैम। मैम जिनका क्विज आपने लेना था दोबारा, उनका क्या डेट और डे है? आज आज ये आज का हम लेक्चर पढ़ लें, ठीक है, फिर हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, ओके जरूर मैम। मैम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने जो है वो हमने डर्मेटोलॉजी कह लें या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कह लें वो हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के जो डिजीजेस थी उनको पढ़ा है। और उसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ लेक्चर्स आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊंगी। और उसके बाद गेस्ट्रो इंटेस्टिनल का एक लेक्चर है और माइक्रोबायोलॉजी का एक लेक्चर है, जैसा कि सारा पीपीटी मटेरियल आपके पास आ चुका है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में जो डिजीज़ है जो कि आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनती है, वो है हाइपरटेंशन। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, आप सब जो इस वक्त मौजूद हैं, मैं जो आपके साथ हूँ, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी फैमिली में जो है वो कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट ना हो। तो हाइपरटेंशन जो है वो प्रिटी कॉमन है, बहुत हाईली प्रेवलेंट डिजीज है हर मुल्क में। राउंड द ग्लोब बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हैं। इस वक्त राउंड द ग्लोब एक रफ आइडिया है कि 1 बिलियन पीपल जो हैं, ठीक है, 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 बिलियन पीपल जो है वो इससे अफेक्टेड हैं। तो इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ राउंड द ग्लोब, इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस इसकी इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी कार्डियक डिजीज और स्ट्रोक जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यानी फालिज, यानी कार्डियक डिजीज और स्ट्रोक की भी सबसे बड़ी वजह हाइपरटेंशन है। और स्ट्रोक और इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है वो बिगेस्ट किलर है वर्ल्ड में। 2016 में इन दोनों की वजह से 15 मिलियन डेथ्स हुई थी, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसलिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, हार्ट डिजीज जो है, उसका रिस्क हाइपरटेंसिव पेशेंट में डबल हो जाता है। रीनल डिजीज या किडनी डिजीज का रिस्क जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करती, लेकिन वो रिस्क रिडक्शन करती है, वो इसके कॉम्प्लिकेशंस को का जो रिस्क है उसको कम करती है, कॉम्प्लिकेशंस को कम करती है, ठीक है। कि हाइपरटेंशन को अगर कंट्रोल किया जाए तो स्ट्रोक नहीं हो, रीनल डिजीज नहीं हो, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाइपरटेंशन कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है? आइज को, हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, इसके अलावा किडनी को, ब्रेन को। तो कितने सारे ऑर्गन्स हैं, इनको क्या कहते हैं? एंड ऑर्गन डैमेज। हाइपरटेंशन जो है वो इन ऑर्गन्स को सीवियर डैमेज कर सकता है, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 95% केसेस में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। समटाइम्स पेशेंट फील नॉजिया और रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी एंड हेडेक इन सीवियर हाइपरटेंशन, बट ज्यादातर क्या है कि पेशेंट को इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते। फॉर सम अदर रीजन वो डॉक्टर के पास जाता है और उसका जो है वो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो वो डेंजरसली हाई होता है, ठीक है। तो ये साइलेंट किलर है, इसके कोई खास साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। इसके लिए स्क्रीनिंग
यानी आप चेक करेंगे रेगुलरली तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है। ठीक है, दुख की बात यह है कि बहुत ज्यादा पेशेंट्स इसके जो है वो या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, और अगर ले भी रहे हैं तो इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसपे वो एडिक्वेट लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर उनके अचीव नहीं होते। एक आध मेडिसिन खा ली, कभी खाई कभी नहीं खाई, तो या तो अनट्रीटेड है या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड है। तो ये तो था इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपरटेंशन कि क्यों हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और क्यों हम इसके ट्रीटमेंट पर इतना फोकस करते हैं। नेक्स्ट है जी इसकी टाइप्स, देर आर टू टाइप्स, एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल जो है वो 90-95% केसेस एसेंशियल हाइपरटेंशन के होते हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होती, मल्टीफैक्टोरियल इन ओरिजिन, इसके डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है आगे इनकी डिटेल आएगी, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, फीटल फैक्टर्स, बच्चे को इंट्रायूट्राइन जिन स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है उससे उसकी ब्लड वेसल्स इस तरह से खराब हो सकती हैं कि एडल्ट लाइफ में वो हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है, ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स, डिफरेंट हॉर्मोन्स का इंटरप्ले, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का चोली दामन का साथ है। डायबिटीज इंक्रीजेस द रिस्क फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है, डायबिटीज जो है माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, किंग ऑफ डिजीजेज है। डायबिटीज जो है वो छोटी ब्लड वेसल्स को खराब करती है, ब्लड वेसल्स जब खराब होंगी तो ब्लड प्रेशर हाई होने का बायस बनेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसका ब्लड प्रेशर, आम जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसको डायबिटीज नहीं है उससे भी कम होना चाहिए। ऑप्टिमल अच्छा ब्लड प्रेशर फॉर डायबिटिक पेशेंट शुड बी इवन लोअर देन अ नॉर्मल पेशेंट, नॉन डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि डिफरेंट लोगों में ब्लड प्रेशर के ऑप्टिमम लेवल्स क्या हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि उनमें बाकी कोमॉर्बिडिटीज कौन सी हैं। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है साथ में उसको कार्डियक डिजीज है, उसके ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो अच्छे ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए। किसी को रीनल डिजीज है उसके ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे, क्योंकि इनमें फिर होगा तो वो एंड ऑर्गन डैमेज ज़्यादा करेंगे, किडनी फेलियर करेगा, हार्ट फेलियर करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन द नेक्स्ट टाइप इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक डिजीज या कॉज होती है हाई ब्लड प्रेशर की, और ये 30-40 कम एज के लोगों में ये देखने में आता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज ड्यू टू सम डिसऑर्डर, ड्यू टू सम स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, उसमें फिर सोडियम रिटेंशन होती है या पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जो भी रीजन है आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं जो एसेंशियल हाइपरटेंशन का बायस बनते हैं? ओबेसिटी सबसे पहले। आप किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट का जो वेट है वो 5 kg कम कर दें, आप देखें उसके ब्लड प्रेशर लेवल्स 5-10 mm ऑफ मर्करी नीचे आएंगे। डायबिटिक पेशेंट का आप 5 kg वेट कम कर दें, आप देखें कि उसके ब्लड शुगर लेवल्स नीचे आएंगे, उसकी जो है वो इंसुलिन की डोज कम हो जाएगी। तो वेट का जो है वो बहुत रोल है। अब आप कहेंगे कि बाज लोग तो इतने थिन होते हैं और फिर भी उनको, तो बात यह है कि जेनेटिक फैक्टर्स, और जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर किसी को सीवियर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ने उसके ब्लड वेसल्स को ख़राब किया हुआ है, अब उसमें फिर आप क्या वेट कम करने से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये फिर कन्फाउंडिंग फैक्टर्स और मल्टीपल चीज़ें होती हैं उसमें। एनी हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो एसेंशियल हाइपरटेंशन का बायस बनते हैं, ओबेसिटी है, अल्कोहल इनटेक है, सोडियम इनटेक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर लेवल। सोडियम इनटेक जो है वो 6 mg per day से ज़्यादा हरगिज नहीं होना चाहिए। सोडियम इनटेक जो है वो 6 mg per day से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस, हर तरह का स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एड्रीनालिन, नॉरएड्रीनालिन, कॉर्टिसोल। दे इंक्रीज हार्ट रेट, दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो स्ट्रेस ऑल्सो इंड्यूसेस ब्लड प्रेशर, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बिल्कुल ही डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसमें फिर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज मेलिटस, तो ये सारी चीज़ें मिलके एसेंशियल हाइपरटेंशन को, इसीलिए हमने शुरू में कहा मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो मिल मिला के एसेंशियल हाइपरटेंशन का बायस बनते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है कि भाई ये डिजीज है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसा नहीं है। ऐसा किसमें होता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज अ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन व्हिच इज ड्यू टू सम स्पेसिफिक डिजीज, देयर इज अ कॉज,
हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमें कॉज मिलती है. कॉज क्या हो सकती है? सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज, सबसे ज्यादा जो कॉज मिलती है वो है रीनल डिजीज. किसी भी तरह की किडनी डिजीज हाइपरटेंशन का बायस बन सकती है. अब आप कहेंगे वो कैसे? तो ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरेनकाइमल रीनल डिजीज. पेरेनकाइमा का क्या मतलब होता है? सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन का सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गन का पेरेनकाइमा, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अगर रीनल पेरेनकाइमल डिजीज हो, यानी ऐसी डिजीज जिसमें किडनी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, पैथोलॉजी है उसमें, तो दैट कैन लीड टू हाइपरटेंशन. वो कैसे? किडनी ने ही तो एक्सेस वाटर निकालना है बॉडी से, एक्सेस सोडियम निकालना है, आयंस निकालने हैं, पोटेशियम के बैलेंस को जो है वो रखना है, कितना अंदर रहना चाहिए, कितना बाहर रहना चाहिए, ठीक है. और उसकी ट्यूब्यूल्स हैं जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करती हैं या पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन करती हैं, डिफरेंट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करती हैं. तो अगर किडनी का ही सब्सटेंस खराब होगा, पेरेनकाइमा खराब होगा, तो ये फंक्शन नहीं हो सकेगा. यानी एक्सेस वाटर और सॉल्ट या आयंस का जो बॉडी से बाहर निकालने का सिस्टम है वो खराब, ठीक है, वो एबनॉर्मल. तो एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन जब होगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है. तो ये वजह होती है कि किडनी की जो पेरेनकाइमल डिजीज है लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द किडनी, किडनी इस तरह सुकड़ के छोटा सा हो जाता है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. तो ये सारी जो पेरेनकाइमल डिजीजेज हैं, इसमें चूंकि किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होता है, और किडनी फंक्शन है क्या? एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी से बाहर निकालना. जब ये फंक्शन नहीं होगा तो एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, दैट विल कॉज हाइपरटेंशन. दूसरी चीज क्या है? रीनल वास्कुलर डिजीज, यानी रीनल आर्टरी स्टीनोसिस. रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है उसका अगर स्टीनोसिस हो जाए तो किडनी को ब्लड कम जाएगा, ऐसा ही है. तो किडनी को जब ब्लड कम जाएगा तो किडनी समझेगा कि देर इज हाइपोटेंशन. ब्लड उसको कब कम जाता है? जब ब्लड प्रेशर कम होता है. किडनी को एक फॉल्स जो है वो परसेप्शन जाएगी कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम है ड्यू टू रीनल आर्टरी, जबकि ब्लड प्रेशर कम नहीं है, रीनल आर्टरी का स्टीनोसिस है, रीनल आर्टरी का जो डायमीटर है वो कम है एज अ डिजीज प्रोसेस. तो दैट विल गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ हाइपोटेंशन टू द किडनी. जब किडनी को जब भी हाइपोटेंशन का पता चलेगा वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, दैट विल लीड टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. सो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. ये मैकेनिज्म्स हैं किडनी डिजीज किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर करती है उसके. मैनी ड्रग्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकती हैं, जिसमें कि नुमाया ड्रग्स क्या हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो कि उनमें ईस्ट्रोजन्स होता है. ये अब जो है ईस्ट्रोजन्स वैसे तो ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, अंदर वाले भी हैं बाहर वाले भी हैं, तो फिर इस तरह से समटाइम्स द ओसीपीज कैन कॉज 2% पेशेंट, जो लोग ओसीपीज लेते हैं 2% पेशेंट्स जो है वो उसकी वजह से हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं. एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन की तरह के हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे एड्रेनोकॉर्टिकल ग्लैंड से जो कॉर्टिसोल निकलता है तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर ये चीजें हाई करती हैं. एनसेड्स में सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं, इसलिए ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन के साथ एसोसिएटेड हैं, ब्लड प्रेशर हाई करते हैं. सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स हार्ट रेट को, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट को ज्यादा करती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर करती हैं, ठीक है. कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा इज एन एबनॉर्मैलिटी, कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटी है कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा, ये भी हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उसके तौर पर सामने आती है. देर इज अ शार्प रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ एओर्टा, एओर्टिक आर्च के अंदर ही जो है वो ये शार्प डिमार्केशन जो है वो कंस्ट्रक्शन या स्टीनोसिस देखा जाता है, इसको कहते हैं कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा. इसका टिपिक इसका हमें कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है इसको डायग्नोज करना. वो कैसे? कि देर विल बी रेडियो फेमोरल डिले. रेडियल आर्टरी जो है वो इस कोआर्कटेशन से पहले निकल आती है, ठीक है, तो रेडियल पल्स पहले फील होती है, और फेमरल आर्टरी चूंकि नीचे इस कोआर्कटेशन इस स्टीनोसिस के बाद निकलती है तो फेमरल पल्स बाद में फील होती है. साइमल्टेनियसली यू विल प्लेस वन ऑफ योर हैंड ऑन द रेडियल आर्टरी अगेंस्ट द रेडियल बोन रिस्ट के ऊपर, और दूसरा हाथ आप कहाँ रखेंगे? फेमरल आर्टरी पे. और आप ये महसूस करेंगे कि रेडियल पल्स पहले आती है, फेमरल पल्स बाद में आती है. देर इज अ स्लाइट डिले
बिटवीन द रेडियल एंड फेमरल पल्सेस, तो इसको क्या कहेंगे, रेडियो फेमरल डिले, विच इज अ पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर ऑफ दिस कोआग्रेशन ऑफ एओर्टा. ये भी हाई ब्लड प्रेशर करता है. और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बहुत सारी एंडोक्राइन डिजीजेज हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पता है, वो ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं, जिनकी डक्ट नहीं होती, वो ब्लड में अपनी सिक्रीशन जो है वो जो वो प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन अपनी, वो ब्लड में देते हैं और डिस्टेंट दूर वाले टारगेट ऑर्गेन के ऊपर वो जो है इनका प्रोडक्ट यानी जो हार्मोन ये बनाते हैं वो काम करता है. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, पैराक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये दो तीन टाइप्स होती हैं ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो डक्टलेस होते हैं और जो अपनी सिक्रीशन ब्लड में प्रोड्यूस करते हैं यानी कि हार्मोन, और वो हार्मोन जाके फिर डिस्टेंट ऑर्गेन के ऊपर काम करता है, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. तो देर आर मैनी एंडोक्राइन डिजीजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन. उनके डिफरेंट मैकेनिजम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फियोक्रोमोसाइटोमा, विच इज द ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड तो आपको याद ही है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी हम उसको कहते हैं. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं. सुप्रारीनल, सुप्रा का मतलब ऊपर, रीनल का मतलब किडनी. तो किडनी के ये ऊपर पाए जाते हैं, दोनों किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड पाए जाते हैं. उसमें कॉर्टेक्स और मेडल्ला होता है. कॉर्टेक्स जो है उसके आगे तीन जोन है, और मेडल्ला जो है वो एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन प्रोड्यूस करता है. अब ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, ये एड्रीनल मेडल्ला का एक वास्कुलर ट्यूमर है जो कि कैटिकोलामीन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा. कैटिकोलामीन क्या है, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन. और ये क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर हाई करती हैं. ये तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं, ये तो स्ट्रेस में निकलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में निकलते हैं, ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं. तो ये जब ट्यूमर है फियोक्रोमोसाइटोमा, इट विल प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैटिकोलामीन एंड इट विल लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. तो इसका भी हम जो है वो यूरिनरी कैटिकोलामीन मैयर करके इसको डायग्नोज कर सकते हैं. यंग पेशेंट में जब आप 20 साल के लड़के में, लड़की में, 25 साल के लड़के लड़की में, 30 इयर्स में, यानी 40 से कम, जब आप व्हेन यू एनकाउंटर हाइपरटेंशन बिलो 40, यू शुड सी, यू शुड लुक, यू शुड डिग फॉर अ कॉज के सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं. ठीक है, इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम मशहूर मरूफ, कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन इज देयर कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग डिजीज क्या है कि उसमें सेंट्रली जो है वो ACTH ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसे कुशिंग डिजीज कहते हैं, जिसमें CNS में प्रॉब्लम है. ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम क्या है, जिसमें लोकली एक्सेसिव कॉर्टिसोल ड्यू टू ये जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड, जिसके बारे में हमने बात की कि बाहर कॉर्टेक्स होता है और अंदर मेडल्ला होता है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स की हाइपर जो है ट्रॉफी हो जाती है, तो कुशिंग सिंड्रोम, एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन. ठीक है, तो कॉर्टिसोल भी स्ट्रेस हार्मोन है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, तो कुशिंग सिंड्रोम में भी हाई ब्लड प्रेशर होगा. अब ये फिर एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आएगा, बिकॉज अ स्पेसिफिक डिजीज और कॉज इज देयर. देन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एल्डोस्टेरोन जो कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करता है, अगर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए, ज्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करना हो जाए, करना शुरू कर जाए एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, तो उसको कोन सिंड्रोम भी कहते हैं. ठीक है, और कोन सिंड्रोम भी कहते हैं, तो इसमें एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा. हाइपर पैराथायरोडिज्म, PTH पैराथायरॉइड हार्मोन के लेवल्स ज्यादा हो जाना. आपको पता है कि देर आर फोर पैराथायरॉइड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड बिहाइंड द थायरॉइड ग्लैंड. ठीक है, तो थायरॉइड ग्लैंड के पीछे चार अदद पैराथायरॉइड ग्लैंड भी पाए जाते हैं, उसके सब्सटेंस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो कि PTH बनाते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि कैल्शियम बैलेंस के लिए बड़ा जरूरी है. तो हाइपर पैराथायरोडिज्म में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी. एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी. प्राइमरी हाइपोथायरोडिज्म, अब ये जो थायरॉइड हार्मोन ज्यादा हो कम हो कैन लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन. वो क्यों, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होगा, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ T3 T4, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, हाइपर हाइपरथायरोडिज्म क्या है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ T3 T4. तो ये क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कार्डियो कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर करते हैं. ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट आके कहेगा मुझे पेल्पिटेशन होती है, बट इज पेल्पिटेशन अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, डॉक्टर साहब मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़कता है,
तो ये चीज जो है इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज हार्ट रेट दैट विल रिजल्ट इनटू सेकेंडरी हाइपरटेंशन. और हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में फिर क्यों होगा, उसमें तो T3 T4 कम है, उसमें ये होगा कि लिपिड प्रोफाइल के साथ ये चीज जो है वो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट रखती है, उसकी वजह से फिर लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है. तो ये सारी डिफरेंट एंडोक्राइन डिजीजेस हैं विच विल बिकम द रीजन फॉर सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इनमें जो और साइन एंड सिम्टम्स आने हैं उसके साथ साथ एक साइन क्या आएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो यंग पेशेंट जब भी हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना. ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी की जो क्लासिफिकेशन है ब्लड प्रेशर की आप लोग पढ़ लीजिएगा. मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ ये दिखाना चाहती हूँ कि ऑप्टिमल का क्या मतलब है कि बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, ए प्लस ग्रेड, एक्सीलेंट, तो वो ब्लड प्रेशर क्या है, नॉट 120/80. हम क्या समझते थे कि 120/80 ब्लड प्रेशर जिसका आ गया वाह वाह इसको तो कोई ऑस्कर दे दें, बड़ा आइडिया, बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर आया. लेकिन अब वो क्या कहते हैं, न्यू गाइडलाइंस क्या है कि ऑप्टिमल यानी एक्सीलेंट ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 120/80. ये तो फिर एथलीट्स का ही होता है, यहाँ कोई बड़ा एथलीट के अलावा को बड़ा फिट बंदा अपना बड़ा ख्याल रखता है, बड़ी वॉक करता है, डाइट बड़ी हेल्दी लेता है, तो इंशाल्लाह यंग है एज में भी तो उसका फिर होगा ये, ठीक है. तो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, आइडियल ब्लड प्रेशर, एक्सीलेंट ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 120/80. दूसरी एक चीज़ क्या है, डायबिटिक का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं ना उनका ब्लड प्रेशर भी 120/80 या उससे थोड़ा ही होना चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा है उनके लिए, ठीक है. नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं, 120 से लेके 129 यानी 130 तक नहीं जाए वो फिर हाई नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है. और उधर से 80 to 84, ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉर्मल है ब्लड प्रेशर इसका, ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है, इसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है. हाई नॉर्मल फिर हम कहेंगे 130 से लेके 140 से कम पे, 139 तक. 140 वाले को तो हमने कहना ही हाइपरटेंशन है. एक बात अपने जहन में रखिए, अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है कि हाइपरटेंशन आप किस ब्लड प्रेशर को कहेंगे, हाइपरटेंशन आप किस ब्लड प्रेशर को कहेंगे, तो आपने आंखें बंद करके कह देना 140/90 and above. किसी पेशेंट का आपके पास ब्लड प्रेशर 140/90 आता है या इससे ज्यादा आता है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि एक रीडिंग और लेनी है, ओनली वन रीडिंग और लेनी है. दैट शुड बी एटलीस्ट 6 hours आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, यानी इससे पहले नहीं हो या अगले दिन या उससे अगले दिन, ठीक है, कम अज कम 6 घंटे बाद, ठीक है. तो अगर दोबारा दूसरी रीडिंग पे भी 140/90 और अबव है तो आप लेबल करें आंख बंद करके कि ये जो मरीज है ना इसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है. अब ये नहीं कि आप उसको मेडिसिन शुरू करा देंगे 140/90 पे, यानी कि मॉडरेट हाइपरटेंशन पे, यानी कि माइल्ड हाइपरटेंशन पे, आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहेंगे, लेकिन उसका डायग्नोसिस बन जाएगा जब तक कि वो अपनी वेट रिडक्शन और ये वो सब चीज़ों से उसको कंट्रोल नहीं कर लेता, ठीक है. तो फिर हाइपरटेंशन में कौन कौन से ब्लड प्रेशर लेवल्स आ जाते हैं, ग्रेड 1 या माइल्ड हाइपरटेंशन कह लें 140/159 यानी 160 से कम, और उधर से डायस्टोलिक 90/99 यानी 100 से कम, यानी 160/100 से कम जो ब्लड प्रेशर है, एक एक वैल्यू कम, 140/159, 90/99 इसको हम ग्रेड 1 या माइल्ड हाइपरटेंशन कह देंगे. मॉडरेट का टर्म पहले नहीं था लेकिन ये ज़्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें मॉडरेट का भी है, 160 से लेके 180 से कम, 100 से लेके 110 से कम इसको हम मॉडरेट कह देंगे. और सीवियर हम किसको कहेंगे, 180/110 को, जबकि जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो 160/110 को सीवियर हाइपरटेंशन बोलते थे. अब मैं पढ़ रही हूँ कि 180/110, तो ये ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है, ये वैल्यूज आपको किसी और जगह पे फर्क भी मिल सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं होंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. अच्छा, फिर एक एंटिटी है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन. डायस्टोलिक नॉर्मल है, लेस देन 90 है, जबकि सिर्फ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो है वो पेशेंट को है, तो 140/149 है तो वो ग्रेड 1 है, और ग्रेटर देन 160 तो वो ग्रेड 2 है. तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन. ओनली द सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इज देयर, देयर इज नो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन. डायस्टोलिक लेवल्स आर नॉर्मल, ओनली द सिस्टोलिक लेवल्स आर रेज्ड. तो ये एक जो है वो गाइडलाइन है आपके लिए कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को आप किस तरह ग्रेड करेंगे, कौन से लेवल्स आएंगे, तो आप कहेंगे ओहो आपको तो मॉडरेट या ग्रेड 2 हाइपरटेंशन है, आपको तो सीवियर हाइपरटेंशन है, आपके तो लेवल्स ऐसे हैं. और ये जो है ना 180/110, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी,
अगर तो घर में कोई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो उसको कुछ दे सकता है, अदरवाइज मेडिकल इमरजेंसी में लेके जाएं पेशेंट। मैम आइसोलेटेड का दोबारा बता दें। देयर इज अ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन व्हिच इज कॉल्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है कि अलहदा अकेला, ठीक है, सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डायस्टोलिक इज नॉर्मल, ठीक है, लेस देन 90 को तो हमने ब्लड प्रेशर कहना ही नहीं ना। देखें सारों में हम ब्लड प्रेशर किसको कह रहे हैं, 90 एंड अबव। तो इसमें डायस्टोलिक जो है लेवल्स जो है वो नॉर्मल है, दे आर नॉट इंक्रीज्ड, सो देर इज नो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, सो इट इज अ आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, ये एक छोटी सी स्लाइड मैंने इसमें डाली थी कि कार्डियक आउटपुट जो है वो, कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब होता है कि एक मिनट में कितना लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है हार्ट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट किसी पेशेंट का आपने निकालना हो तो हमें स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब है कि एक कॉन्ट्रेक्शन में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट, कितने ml ब्लड एक जो है वो कॉन्ट्रेक्शन, एक जो है सिस्टली और डायस्टली का आपको पता है, सिस्टली जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टली जब हार्ट रिलैक्स करता है, तो एक सिस्टली में और ये सिस्टली प्लस डायस्टली मिलके क्या बनाते हैं, कार्डियक साइकिल, आपको पता है फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इतना वॉल्यूम है उसका ब्लड का जो एक हार्ट बीट में एक सिस्टली में ब्लड जो है वो पंप करता है मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि जिन वेसल्स में हार्ट ने ब्लड को पंप करना है उनकी क्या हालत है, वो कैसी ब्लड वेसल्स हैं, क्या वो टॉर्चुअस और जो है वो डैमेज्ड और इस तरह की ब्लड वेसल्स हैं, या वो बड़ी हेल्दी और अच्छे डायमीटर की और रिलैक्स किस्म की है जो है ब्लड वेसल्स हैं, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जैसे प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट है ना, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है हर जगह पे जहाँ भी वो है। एनी हाउ, तो ब्लड प्रेशर इज अ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एनी हाउ, अच्छा जी, हाइपरटेंशन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम की वजह से जो होती है वो किस तरह होती है, आप सबको पता है अब तक कि एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एक एंजाइम है और रेनिन जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 1 बना देता है, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 1 बना देता है और किडनी में जो सॉरी लंग में एस पाया जाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऐसे ही है लंग में पाया जाता है। इसका क्या काम है, ये एंजियोटेंसिन 1 क्योंकि इस शक्ल में ये कुछ नहीं कर सकती, कोई सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये काम कौन करता है, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, एंजियोटेंसिन 2 फिर आगे एल्डोस्टेरॉन बनाने का बायस बनती है रिसेप्टर्स के ऊपर लग के, 81 रिसेप्टर के ऊपर लग के ये एल्डोस्टेरॉन। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और एंजियोटेंसिन 2 की क्या प्रॉपर्टीज है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब आपको समझ आना चाहिए कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, देखिए एक पाइप है उससे आप पौधों को पानी लगा रहे हैं, बड़ा सा पाइप है आप उससे पौधों को पानी लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो जो दूर वाला पौधा है वहां पानी नहीं जा रहा और पाइप जो है वो छोटा है, तो आप क्या करेंगे उसके आगे से जो उसकी ओपनिंग है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। सबने किया हुआ है ना ये काम, जब आप आगे से उसकी ओपनिंग को दबाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो वो उसकी जो धार है वो दूर तक चली जाएगी क्योंकि आपने उसका डायमीटर कम कर दिया ना, तो अब उसका प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और वेजो डायलेटेशन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। व्हेन द वेसल डायमीटर विल बी डिक्रीज्ड इट विल कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, व्हेन द वेसल डायमीटर विल बी रिलैक्स और इंक्रीज्ड इट विल कॉज द ब्लड प्रेशर टू फॉल डाउन, ठीक है। तो अच्छा, अब आप सबको पता है कि एस इनहिबिटर्स का नाम आप सबने सुना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये दो तरह की ड्रग्स हैं जो बड़ी जबरदस्त बड़ी प्यारी ड्रग्स हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं और जनाब रीनो प्रोटेक्टिव हैं, किडनी की हिफाजत करती हैं, हार्ट की हिफाजत करती हैं, ये लाइसिनोप्रिल इनेलाप्रिल कैप्टोप्रिल इस नाम से ये आती हैं, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं वो लोसार्टान बेलासार्टान कैंडिसार्टान
इन सब नामों से आते हैं, तो वो यहाँ पे वो इस तरह से उनका में ये क्लास वन किस्म की बहुत अच्छी एक्सीलेंट ड्रग्स है, इनसे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है, जेस्ट्रिल टेबलेट 10 मिलीग्राम एक रात को, तो ब्लड प्रेशर इनसे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हम जो है वो ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का शुरू करते हैं, ये इतनी प्यारी ड्रग्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करती है, एस इनहिबिटर इस स्टेप को रोक देंगे, एंजियोटेंसिन 1 ही रह जाएगी, 2 नहीं बन सकेगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, एस इनहिबिटर ऐसे काम करते हैं। और रिसेप्टर ब्लॉकर कैसे काम करती है कि एंजियोटेंसिन 2 को जो है वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, एंजियोटेंसिन 2 इस पे काम नहीं कर सकेगी, एल्डोस्टेरोन नहीं बना सकेगी, ठीक है। तो ये जो दो ड्रग्स हैं इस तरह से ये काम करती हैं, क्योंकि जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और एल्डोस्टेरोन जो है उसकी सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जहां सोडियम जाएगा वहां वाटर जाएगा, ठीक है, जितना किडनी जो है वो सॉल्ट रिटेंशन करेगा उतना वाटर रिटेंशन करेगा, जहां सोडियम जाएगा उधर ही वाटर जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज किसकी है, एल्डोस्टेरोन की, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करता है, एंजियोटेंसिन 2, तो इन दोनों को अगर इनहिबिट किया जाए तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसलिए हम एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं ड्रग्स यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। चलिए थोड़ा सा बात हो जाए कि हाइपरटेंशन जो है वो किस तरह से ऑर्गन डैमेज करती है। देखिए वास्कुलर रेडियस जो है, जैसे मैंने भी पहले भी बात की कि इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस कम होगा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, रेडियस वेसल का ज्यादा होगा ब्लड प्रेशर लो होगा, तो रेडियस अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी, और रेडियस अगर जो ब्लड वेसल का बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस टू फ्लो कम होगी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रेडियस, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस आर्टरीज, जिन जो हमारे बॉडी में जो आर्टरीज हैं, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की हम बात करें ना, वेन्स में तो वैसे ही प्रेशर कम होता है, वहां जाते जाते हार्ट की जो कार्डियक कॉन्ट्रेक्शन है उसने जो एक ब्लड प्रेशर दिया हुआ होता है कि भाई एंड तक टिप ऑफ द टो तक ब्लड पहुंचे, वेन तक पहुंचते पहुंचते तो ब्लड प्रेशर वैसे ही कम हो जाता है, वेन्स में तो ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है, अगर हो तो वो बहुत ही बड़ी बीमारी है, ठीक है, मरीज का बेड़ा गर्क ही हो जाता है जब तब ऐसा हो सकता है, तो वेन्स में तो ब्लड प्रेशर वैसे ही कम होता है, ठीक है, और वेन्स की वॉल्स जो है बड़ी रिलैक्स होती हैं, डायलेटेड होती हैं, क्योंकि वेन्स का काम है कि उनमें ब्लड आए तो ब्लड वहीं आएगा ना जहां प्रेशर कम होगा, तो वेन्स में ब्लड आए ताकि वो उसको वापस हार्ट की तरफ ले जा सके, ठीक है, तो वेन्स में तो ब्लड प्रेशर नहीं होता, ब्लड प्रेशर कहाँ होता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, आर्टरीज जो है वो बड़ी इलास्टिक हैं और बड़ी कंप्लायंट हैं, और थोड़ा सा ज्यादा ब्लड भी आ जाए तो आराम से डायलेट हो जाती हैं और उसको एकोमोडेट कर लेती हैं, तो दैट्स वेरी गुड, इससे जो है ब्लड प्रेशर चेंजेस कम आएंगे अगर आर्टरीज इतनी अच्छी हैं स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर आर्टरीज डायबिटीज की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, डायबिटीज की अपनी बीमारी की सॉरी आर्टरीज की अपनी बीमारी की वजह से रिजिड हैं, तो रिजिड का क्या मतलब होता है, सख्त हैं या सेमी रिजिड हैं, ठीक है, इतनी इलास्टिक नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ब्लड आ जाए तो वो डिस्टेंस नहीं हो सकती, वो वैसे ही रहती है, तो ऐसी ब्लड वेसल्स में तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा, ठीक है। स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, जरा सा हार्ट ने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जरा सा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, इंड्यूसेस अ रिलेटिवली लार्ज इंक्रीमेंट इन द ब्लड प्रेशर। मुझे यकीन है कि आपको इस बात की समझ आ गई, ठीक है। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन में क्या क्या, मैंने आपसे कहा कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आर्टरीज के स्ट्रक्चरल डैमेज का बायस बनता है, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, ब्रेन डैमेज, आई डैमेज का बायस बनता है, ये सारे चारों जो ऑर्गन हैं, ये जो चार ऑर्गन हैं ये ब्लड प्रेशर से भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, इनके ऊपर ब्लड प्रेशर के बहुत नुकसान देखने में आते हैं, और डायबिटीज में भी यही चारों ऑर्गन हैं जो कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स का सामना इनको करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या करेगा हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, आगे हम इसकी पिक्चर देखते हैं, ब्लड प्रेशर से आर्टरीज में एनोरिजम्स बनेंगे, एनोरिजम्स क्या है, फोकल डायलिटेशन ऑफ द आर्टरीज, आप सबने एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म का नाम सुना होगा, थोरेसिक एनोरिज्म भी होते हैं, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म जरा ज्यादा मशहूर है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लोगों में होता है, ठीक है। एओर्टिक डाइसेक्शन, एओर्टा के वॉल के अंदर एक टीयर आ जाता है और उसके अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, एओर्टिक डाइसेक्शन का बायस भी हाई ब्लड प्रेशर बनता है। जी मैम, एनोरिज्म दोबारा बता देंगी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम, जरूर।
एन्यूरिज्म का मतलब है फोकल डायलिटेशन. अब ये एक आर्टरी जो है वो जा रही है तो यहाँ पे वो डायलेट हो जाए, उसकी वॉल थिन हो जाए और वो यहाँ पे उसका डायमीटर बहुत बढ़ जाए. आगे पीछे ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे अगर डायलिटेशन हो जाए आर्टरी की तो दैट विल बी कॉल्ड एन्यूरिज्म, फोकल डायलिटेशन ऑफ अ आर्टरी, तो इसको कहेंगे एन्यूरिज्म. तो ये सब चीजें जो है वो हाई ब्लड प्रेशर एक आर्टरी में कर सकता है. एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस को तेज कर सकता है. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फैटी फाइब्रोफैटी प्लैक्स इनसाइड द ब्लड वेसल. अब ब्लड वेसल का डायमीटर कितना ही होता है कि वो बड़ा बड़ा प्लैक उसमें अंदर पड़ा हुआ वो कैल्सिफाइड, तो फिर डायमीटर तो वेसल का बहुत कम हो गया. तो ये चीज है. नेक्स्ट क्या है? किडनी में क्या क्या करता है? हीमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, किडनी डैमेज, किडनी डिजीज. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज इज हाइपरटेंशन. ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस तो एक नाजुक सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, वो इतने हाई ब्लड प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर सकती, वो डैमेज हो जाती है, दैट विल रिजल्ट टू किडनी डैमेज. और वो हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी डैमेज हो रहा है? आरबीसीज, ब्लड आएगा यूरिन में, हीमाचूरिया और किडनी फंक्शंस खराब होंगे. सबसे पहले क्या खराब होता है? यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है. नॉर्मल क्या होता है यूरिक एसिड का लेवल? 6 मिलीग्राम. ठीक है, 6 मिलीग्राम से ऊपर जो है वो एबनॉर्मल है. पहला रीनल फंक्शन टेस्ट जो खराब होता है अंडर द एक्शन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज जब करता है हाई ब्लड प्रेशर, तो सबसे पहला आरएफटी जो खराब होता है वो यूरिक एसिड है, नॉट यूरिया, नॉट क्रिएटिनिन. क्रिएटिनिन तो बिल्कुल एंड पे जाके खराब होती है. यूरिया के नॉर्मल वैल्यू क्या है? 50 मिलीग्राम. क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 1. तो 1 अबव एबनॉर्मल, यूरिया 50 अबव एबनॉर्मल. ठीक है, हार्ट में क्या करता है ब्लड प्रेशर? मैंने आपसे कहा कि आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस बना देता है. ये हार्ट में क्या करता है? आगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन का लेक्चर है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो बहरहाल मायोकार्डियल डैमेज कर सकता है, हार्ट अटैक यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कर सकता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है. मायोकार्डियल इंफार्क्शन जब डैमेज कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलिटेशन. अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने तो इतना कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके इतने काम हैं, उसके मसल्स को तो इतना स्ट्रेंथन्ड और इतना जो है वो मोटा मोटा उन मसल्स को होना चाहिए और जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए. अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगा तो वो अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा और इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट का गिर जाएगा और कार्डियक फेलियर में पेशेंट चला जाएगा. ठीक है, तो ब्रेन में भी स्ट्रोक, सीजर्स, डिमेंशिया, क्या पढ़ा था हमने अल्जाइमर्स डिजीज में कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज मैनीफोल्ड. ठीक है, तो स्ट्रोक और टीआईए इसका नतीजा निकलेगा. आई में जो है वो हर हाइपरटेंशन का, सीवियर हाइपरटेंशन का मरीज जब मिले उसकी आपने रेटिनोस्कोपी करानी है, जरूर करानी है उसकी रेटिनोस्कोपी, उसकी आरएफटी जरूर कराने हैं, उसकी 6-lead ECG जरूर करानी है देखने के लिए कि हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर ने कितना डैमेज किया, RFTs कराने हैं किडनी को कितना डैमेज किया है. ठीक है, और जनाब उसको अगर स्ट्रोक या TIA का अटैक हुआ तो कैरोटिड डॉपलर करवाते हैं. ठीक है, और आई में जो है वो ग्रेड 1, 2, 3, 4 की रेटिनोपैथी होती है, तो उसको ज़रूर देखते हैं कि ग्रेड 1, 2, 3 या 4 रेटिनोपैथी तो नहीं है. और इट कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होती है और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है. ठीक है, नेफ्रोपैथी भी होती है. ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन की. इन ऑर्गन्स में ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और उसके एंड रिजल्ट ये निकल सकते हैं कि किडनी को नहीं देखा, क्रॉनिक किडनी देखा, ब्लड प्रेशर हार्ट के ऊपर अफेक्ट किया, कार्डियक फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, ब्रेन पे किया TIA या स्ट्रोक, और आईज पे किया तो कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. अच्छा, ये एक मुझे डायग्राम बहुत प्यारी लगी थी. हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइन है कि हार्ट को और ब्लड प्रेशर को ओवरवर्क किया हुआ है, उनका वर्क जो है लोड जितना उन पे होना चाहिए था उससे ज्यादा है.
जी, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हमें ये बताता है कि हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा वर्कलोड है, ठीक है। और अगर हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अनट्रीटेड रखेंगे, द डिजीज कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जाहिर है हार्ट जो है वो कितनी देर तक हाई ओवर वर्क, एक बंदे को आप बहुत ज्यादा उसकी बर्दाश्त ज्यादा काम उस पर डाल दें, जाहिर ही बात है कि वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो कितनी देर ये ओवर वर्क जो है वो हार्ट करेगा, तो एंड पे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, या MI की वजह से एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट फेलियर। ये एथेरोस्क्लेरोसिस की एक पिक्चर है कि किस तरह आर्टरीज के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन जाते हैं, फाइब्रोफैटी डिपॉजिट्स बन जाते हैं, इवन ये कैल्सिफाई हो जाते हैं। छोटे जब ये होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको डिसॉल्व करना आसान होता है, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हम देते हैं, टॉर्वास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, लिपिगेट और टॉर्वा और सिम्वा के नाम से आती हैं ये सारी ड्रग्स। तो वो इनिशियल स्टेजेस में तो इनको वो कर सकती है, लेकिन ये जो एक कैल्सिफाइड प्लैक है उसको आप क्या करेंगे, तो ये जो है वो डायमीटर इसका करते करते ये बिल्कुल 90% डायमीटर, चाहे कॉर्नरी आर्टरी हो चाहे कोई भी बॉडी में आर्टरी हो, उसको 90% उसका डायमीटर कम कर देती है। तो फिर बाकी कहाँ से ब्लड गुजरे और कैसे सप्लाई करे, जहाँ पे भी उसने सप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हार्ट को सप्लाई करना है, 90% ल्यूमन ही उसका क्लोज है, 10% सिर्फ ओपन है, पूरा ब्लॉक कर दिया तो हार्ट अटैक हो गया। द एरिया विच इज सप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर आर्टरी व्हेन इट विल बी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, इट विल नॉट सप्लाई दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द हार्ट, एंटीरियर वॉल या पोस्टीरियर वॉल या एपेक्स व्हाटसोएवर, एंटीरियर वॉल MI होता है, पोस्टीरियर वॉल MI होता है, तो उसको फिर नहीं सप्लाई करेगी, तो इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एज अ रिजल्ट। एनी हाउ MI का जो है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक जो है एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, इसमें से जो है कोई भी इंटरवेंशन करनी है, स्टंट डालना है, व्हाटएवर, ये इसमें से फिर भी आराम से चला जाएगा इसमें से, लेकिन इसमें से कैसे जाएगा, इतनी टॉर्चुअस हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज, और उसके अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बन जाते हैं कि इंटरवेंशन बिकम्स डिफिकल्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इट कैन कॉज स्ट्रोक, इट कैन कॉज सबरेक्नॉइड, ये आप पढ़ चुके हैं, इसमें सबरेक्नॉइड हेमरेज क्या होता है, बैरी एनोरिज्म होता है, एनोरिज्म हमने भी पढ़ा, फोकल डायलिटेशन ऑफ अ ब्लड वेसल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एनोरिज्म। तो बैरी एनोरिज्म जो है वो सर्कल ऑफ विलस में होता है, हमारे जो ब्रेन है हमारा जो, उसकी बेस पे एक स्पेशल वेसल्स का जो है वो एनास्टोमोसिस का वेसल्स का एक सर्कल सा होता है जो आगे से लेके पीछे तक सारा, उसके अंदर एक पॉइंट पे बैरी एन्यूरिज्म होता है बाज लोगों को, अगर वो रप्चर कर जाए तो इट विल रिजल्ट इनटू सबरेक्नॉइड हेमरेज, जिसमें बेइंतहा सीवियर हेडेक होती है, यंग पेशेंट्स में होता है, एंड इट कैन लीड टू डेथ, इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी बुरा है। हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, वो क्या के ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच एंड विजन एंड पारेस्थीजिया, यानी कि सेंसरी जो है वो लॉस, टिंगलिंग एंड बर्निंग ऑफ फीट एंड हैंड, डिसोरिएंटेशन, फिट्स एंड इवन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी व्हेन द ब्लड प्रेशर इज फॉर एग्जांपल डायस्टोलिक जो है वो 120 तक पहुंचा हुआ है, तो उसमें ये हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी हो सकती है। हाइपरटेंशन जो है एडवर्सली अफेक्ट्स द ब्रेन इन अ वे के स्ट्रोक तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीच, विजन, और इसके अलावा सेंसरी लॉसेस और डिसोरिएंटेशन, फिट्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चीजें देखने को आ सकती हैं हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी। मैम वो जो पीछे पे सर्कल ऑफ विलस होता है, जी मैम जो पीछे EN था वो स्टैंड किसकी करता है? जी बेटा क्या चीज? मैम ये आप पे लिखा हुआ था ना बैरी EN, जी बैरी एनोरिज्म, बैरी एनोरिज्म ये होता है ना, यहाँ पे बैरी, ये बेस ऑफ द ब्रेन पे सर्कल ऑफ विलस होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पे ब्लड वेसल्स का एक ना जाल सा बना होता है, सर्कल ऑफ विलस उसको बोलते हैं, उसके अंदर एक जगह पे फोकल डायलिटेशन होती है, उसको कहते हैं बैरी एनोरिज्म, अगर वो रप्चर कर जाए तो सबरेक्नॉइड हेमरेज हो जाता है, सीवियर हेडेक एंड इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। एनोरिज्म की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हार्ट में क्या कर सकता है, डिटेल हम इसकी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में पढ़ेंगे। एनी हाउ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कर सकता है,
जिसमें कि वो क्या करता है कि कॉर्नरी आर्टरीज को, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया कि कॉर्नरी आर्टरीज को इस तरह से ब्लॉक कर देता है ना, तो अब ब्लड कहाँ से गुजरे, जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा तो जिस एरिया ऑफ द हार्ट को ये आर्टरी सप्लाई करी है उस एरिया का इस्कीमिया हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफेक्शन, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, ठीक है। और वेंट्रिकुलर, अच्छा ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड प्रेशर में, जब ऐसी आर्टरीज में ब्लड जो है वो ब्लड को पंप कर रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है या उन आर्टरीज का स्ट्रक्चर खराब है, तो शुरू में क्या होगा, वेंट्रिकल जो है वो उसकी हाइपरट्रफी होगी, ताकि हाइपरट्रफी होगी, वेंट्रिकल की जो वॉल थिकनेस है वो बढ़ेगी, ताकि एक्सेसिव वर्कलोड जो है, जो मसल हम ज्यादा यूज करेंगे वो बड़ा हो जाएगा और जो मसल हम कम यूज करेंगे वो छोटा हो जाएगा, ऐसे ही है ना हाइपरट्रफी और एट्रोफी का कॉन्सेप्ट जो है। तो जब वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर वाली आर्टरीज में ब्लड को पंप करना पड़ेगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा, तो शुरू में हाइपरट्रफी होगी वेंट्रिकुलर मसल्स की, कार्डियक मसल्स की, लेकिन ये कितनी देर तक उसको विदस्टैंड कर सकता है, कितनी देर तक ओवरवर्क को जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है, फाइनली क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायलिटेशन, ठीक है, वेंट्रिकल डायलेट कर जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा फाइनली। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या चीज है, कि एट्रिया जो है वो मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें MI भी है, इसकी वजह से एट्रिया जो है वो डायलेट कर जाते हैं और उनमें उनका रिदम खराब हो जाता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ कार्डियक एरिथमिया, ठीक है, और ये इट विल लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन इनसाइड द एट्रिया, ये क्लॉट जो है वो सिस्टेमिकली डिफरेंट जगहों पे जाके इस्कीमिया कर सकते हैं, ठीक है। Finally, these things will lead to left ventricular failure in case of severe hypertension. नहीं treat किया, पहले तो hypertrophy हुई, नहीं treat किया, left ventricular dilatation और left ventricular failure हो गया। इसको हम MI में डिटेल से पढ़ेंगे। किडनी में क्या करता है, hypertension is a major risk factor for renal injury and end-stage kidney disease. ठीक है, CKD, chronic kidney disease. CKD इसको कहते हैं chronic kidney disease. उसकी सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, जो पीछे मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोटिक फाइब्रोफैटी प्लेक्स बने होते हैं, ठीक है, इन द वेसल सप्लाइंग द किडनी, तो जिसकी वजह से इस्कीमिक चेंजेस, अब मैंने आपको बताया कि इन प्लेक्स की मौजूदगी में एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द एंड ऑर्गन, टू द हार्ट, टू द किडनी नहीं जा सकता, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इस्कीमिया। When the blood supply is decreased to a particular organ, it will lead to ischemia of the organ. ठीक है, कम जा रही है, कम ischemia, total block है, complete ischemia, और complete ischemia के बाद infarction, dead हो जाता है वो tissue. ठीक है, अच्छा अब blood supply जो है वो atherosclerotic plaque के बन जाने की वजह से कम जा रही है kidney को, और glomeruli और post glomerular structures जो हैं उनमें ischemic changes आ रहे हैं, जिसकी वजह से GFR, glomerular filtration rate, kidney का function disturb हो रहा है, तो GFR कम हो रहा है, और फाइनली जो है वो किडनी का क्या फंक्शन है, वाटर एक्सक्रीशन, सोडियम एक्सक्रीशन, तो ये फंक्शन किडनी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और प्रोटीन यूरिया हमेशा किडनी डैमेज को शो करता है, ये इस्कीमिक जो किडनी है, अब ये कुछ तो करेगा ना, तो ये करेगा कि प्रोटीन जिसको उसने आ गई थी वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, उसको उसने वापस लेके जाना था ब्लड के अंदर, वो ये नहीं ले जा पाएगा, तो इट विल लीड टू प्रोटीन यूरिया, क्योंकि जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो अब डैमेज्ड है, तो वो पूरी प्रोटीन जो उसमें चली जाती है फिल्ट्रेट में, उसको पूरी को वापस नहीं लेके आ सकता, तो देर विल बी प्रोटीन यूरिया, बहुत सारी प्रोटीन जो है वो यूरिन में लॉस होना शुरू हो जाएगी, इवन 3 ग्राम पर डे, 5 ग्राम पर डे तक भी लेवल इसके जा सकते हैं, और प्रोटीन यूरिया शोज किडनी डैमेज, व्हेन देयर विल बी किडनी डैमेज देयर विल बी प्रोटीन यूरिया, 300 mg per day हर पेशेंट में नॉर्मल है, इससे ऊपर को प्रोटीन यूरिया कहते हैं, 300 mg per day प्रोटीन्स हर पेशेंट के यूरिन में ही आती है, तो ये क्योंकि ये थ्रेशोल्ड लेवल है, इतना हर एक प्रोटीन को तो उसने नहीं ना रीअब्सॉर्ब कर लेना, तो 300 mg per day हर पेशेंट के ब्लड उसमें यूरिन में आ रही होती है, लेकिन इससे ज्यादा जब आती है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है, और अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर तक बात चली जाएगी, और कॉज क्या है, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीजें। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या है, कि हाइपरटेंशन डायग्नोज हुई और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस पे ही 120 mm ऑफ मर्करी या उससे ज्यादा था, और बहुत जल्दी आईज को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को
अफेक्ट किया विद इन जो है वो सम मंथ्स, ठीक है, तो हार्ट को डैमेज किया, किडनी को डैमेज किया और इवन कैन लीड टू डेथ विद इन मंथ्स, तो उसको हम कहते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के शुरू हुई पता चला और बहुत जल्दी एंड ऑर्गन डैमेज करना शुरू हो गई और बहुत अनकंट्रोल्ड और बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट हाइपरटेंशन, तो उसको कहते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन. रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड लीड टू एंड ऑर्गन डैमेज इन द फॉर्म ऑफ रेटिनोपैथी, ठीक है, ग्रेड 3-4 रेटिनोपैथी थी, पेशेंट को डायग्नोज किया तो उसको 3-4 रेटिनोपैथी थी, रीनल डिसफंक्शन था, बहुत सारा प्रोटीन यूरिया था, हाइपरटेंसिव इनकेफेलोपैथी के क्राइसिस आते थे, लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हुआ, और अगर अनट्रीटेड ही रहा इस सारी चीज को एग्रेसिव ट्रीटमेंट से ना देखा तो इट कैन लीड टू डेथ विद इन मंथ्स, दिस इज कॉल्ड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है. तो इन्वेस्टिगेशन सब पेशेंट्स ने यूरिन एनालिसिस करना है देखने के लिए कि किडनी डैमेज तो नहीं है, अगर प्रोटीन यूरिया ज्यादा है किडनी डैमेज, अगर ग्लूकोज आ रहा है डायबिटीज हो सकती है, ठीक है. तो सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें कि ग्लूकोज का यूरिन में आना नॉर्मल है और वो है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में ग्लाइकोज यूरिया होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में भी अगर परसिस्टेंट है, ज्यादा है, +2-3 है, हमेशा +2-3 आता है, तो फिर भी आप पेशेंट का HbA1c कराएं, देखें कि पेशेंट को GDM तो नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस. प्रेगनेंसी की अपनी डायबिटीज होती है, प्रेगनेंसी का अपना ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है. तो यूरिन एनालिसिस जरूर कराना है, RFTs कराने हैं किडनी डैमेज को देखने के लिए, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन, ब्लड ग्लूकोज कराना है ये देखने के लिए कि साथ में कोई एग्जिस्टिंग डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि और ही साथ में खतरनाक है. सीरम टोटल एंड HDL लिपिड प्रोफाइल करवाना है, ठीक है, उसको बेहतर करने से कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी. 12 लीड ECG हार्ट का स्टेटस देखने के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने के लिए, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को रूल आउट करने के लिए, यानी एंड ऑर्गन डैमेज देखने के लिए हम ये सारी चीजें, और एक इसमें क्या चीज है, रेटिनोस्कोपी, रेटिना का एग्जामिनेशन टू सी फॉर द रेटिनोपैथी. चेस्ट एक्सरे, एको, और एको हर पेशेंट का कराना है कार्डियक स्टेटस देखने के लिए. चेस्ट एक्सरे पे हमें कार्डियोमेगैली अगर नजर आती है, हार्ट फेलियर हम डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है, कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा नजर आ सकती है चेस्ट एक्सरे पे. एको हर पेशेंट की करानी है देखने के लिए वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या नहीं है, है तो कितनी है उसको क्वांटिफाई करने के लिए. रीनल अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट द पॉसिबल रीनल डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या अल्ट्रासाउंड पे भी जब एडवांस स्टेजेस हैं तो अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाती है, या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नजर आ जाएगी, पाइलोनेफ्राइटिस नजर आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. सिलेक्टेड पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं तो रीनल एंजियोग्राफी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देखने के लिए, सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन को डायग्नोज करने के लिए ये कराया जाता है. यूरिनरी कैटिकोला मींस फियोक्रोमोसाइटोमा को डायग्नोज करने के लिए, यूरिनरी कॉर्टिसोल एंड डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट कुशिंग सिंड्रोम को डायग्नोज करने के लिए, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोनिज्म को, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरसेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन को डायग्नोज करने के लिए. तो ये सिलेक्टेड पेशेंट्स में जो यंग पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के साथ प्रेजेंट करते हैं उसमें हम सेकेंडरी कॉजेज या एंडोक्राइन कॉजेज देखना चाहते हैं उसके लिए. मैनेजमेंट में सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है, ब्लड प्रेशर है पेशेंट को 140/85 जो है इसका इतना टारगेट इतना होना चाहिए. ये नहीं कि अब आपने हाइपरटेंशन का मरीज आया तो उसका आपने 120/80 से नीचे ब्लड प्रेशर लेके जाना है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. 140/85 टारगेट लेवल बहुत है. हाँ, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनका 130/80 जो है वो टारगेट लेवल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर है ड्रग्स आपने ड्रग्स से कंट्रोल करना है, ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो इनिशियली देर शुड बी कम्प्लीट असेसमेंट विद रिपीटेड ब्लड प्रेशर मेयर. फर्स्ट 6 months आप उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल एडवाइस दें कि वो अपना वॉक करे, अपना वेट रिड्यूस करे, अपनी डाइट ठीक करे, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाए, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें आगे आ रही हैं. टारगेट ब्लड प्रेशर आम पेशेंट में हमारा 140/85 है और डायबिटिक पेशेंट में 130/80 मिलीमीटर मर्करी है, या वो लोग जिनमें एंड ऑर्गन डैमेज हमें मिल गया, रीनल इम्पेयरमेंट है, आईज में जो है वो ग्रेड 1-4 रेटिनोपैथी मिल गई है और हमें हार्ट में जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का कोई जो है क्लू मिल गया है, तो उसमें फिर हम थोड़ा ज़्यादा विजिलेंटली 130/80 अपना टारगेट रखेंगे. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बॉडी वेट को कंट्रोल करना, BMI को कंट्रोल करना, एरोबिक एक्सरसाइजेस सबसे बेहतरीन 30 मिनट्स या अगर इससे ज़्यादा कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है. ब्रिस्क वॉक मोस्ट डेज ऑफ द वीक, ये नहीं कि रोज़ाना ही करनी है, हफ्ते में 4 मरतबा कर लें, 5 मरतबा कर लें तो भी बहुत है, रोज़ाना करें तो बहुत ही अच्छी बात है. 30 मिनट ब्रिस्क वॉक,
ठीक है, कछुए की चाल नहीं चली तो ब्रिस्क वॉक। डाइट में जो है सोडियम रिडक्शन, फैट रिडक्शन, खासतौर पर सैचुरेटेड फैट, वनस्पति घी बहुत ही बुरा है, ऑयल यूज करें, ऑयल में भी अच्छा से अच्छा वो जो एक कार्डियक उसके लिए रफान का कॉर्न ऑयल मिलता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है और उसके लिए बड़ा अच्छा रिकमेंडेड है, ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, तो ये बेहतर फैट्स हैं जो कि कम खतरनाक हैं। और फैट फ्री खाना भी हो सकता है, एनी हाउ पाकिस्तान में तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, मेहमान आ जाए आप उसको फैट फ्री खाना दे दें तो वो आपका सारी फाड़ देगा और सारे मोहल्ले में जाके आपको बदनाम करेगा। हमारे मुल्क का खाना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और जो आउटसाइड फूड है वो हाइपरटेंशन, आप अपने अम्मी या अब्बू को जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको शादी पे ले जाएं और शादी से वापस आके 3 दिन आप उनका ब्लड प्रेशर मैनेज करते रहें, एक दफ़ा वो शादी का खाना खाएंगे, ऐसे उसमें खतरनाक कोई स्पाइसेस डाले होते हैं और इतने ज़्यादा और इतना ऑयल बुरा वाला डाला होता है आउटसाइड फूड में कि 3 दिन उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगा। ये आप लिख लें किसी भी शादी से वापसी पे अपने पेरेंट्स का या अपने फुफो खाला का ब्लड प्रेशर देख लें, यू विल गेट माई पॉइंट। लिमिट एल्कोहल, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड फूड खाएं या मतलब ये हाइपरटेंशन के पेशेंट को सिर्फ बॉइल्ड फूड रिकमेंड करें वो ज्यादा बेटर नहीं है कि वो? बिल्कुल बेटर है बेटा, जितना उसके डाइट में फैट्स कम होंगे, जीरो तो आप नहीं कर सकते लेकिन जितना कम होंगे और जितना जो है उसकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे उतना ही बेहतर है। जीरो ऑयल, जितना ऑयल कम कर सकें उसकी डाइट में, जितना आप उसकी डाइट में कार्ब्स भी इस तरह से कम कर सकें कि वो भी वेट गेन करते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है उसको कम करना, क्विट करना, ऑयली फिश इनटेक, तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आती हैं, सबसे पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, अब ये फेल हो गई तो फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से पेशेंट को काउंसल करके और उसको पूरा डिटेल बता के ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में, कंप्लायंस के लिए उसको काउंसल करके कि कभी ले ली कभी छोड़ दी, इस तरह नहीं करना, ये आपका ड्रग ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपके फेल हो चुके हैं, ये हाइपरटेंशन के ये कॉम्प्लिकेशंस एंड नुकसानात एंड ऑर्गन डैमेज ये हो सकता है, और ड्रग ट्रीटमेंट के बारे में कम्प्लीटली आपने उसको काउंसिल करके फिर ड्रग ट्रीटमेंट जो आपने शुरू करनी है, बिकॉज पेशेंट कंप्लायंस इज़ वेरी वेरी इजेंशियल। उसने आज खाई कल नहीं खाई, उसने कहा आज मैंने इसलिए नहीं खानी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, हाँ ये तो नॉर्मल है तो मैंने नहीं खानी, तो कल फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस में गया हुआ हो, तो ये चीज़ें सब सारी पेशेंट को काउंसलिंग करके तो फिर आपने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट शुरू करानी है। ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो हम देते हैं, आप सब ने ही सभी इसको जानते हैं। सबसे पहले हम जो है ए फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, उससे शुरू करते हैं। उसमें आपको पता है कौन सी ड्रग्स हैं, लाइसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइसिनोप्रिल बड़ी मशहूर और मारूफ जेस्ट्रिल के नाम से आती है, 5 mg 10 mg HS में उसको लेते हैं रात को एक मरतबा, तो यंग पेशेंट्स में इससे शुरू की जाती है। हाँ, जो ब्लैक पेशेंट्स हैं उनमें ज़रा ट्रीट करना हाइपरटेंशन को थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी हाइपरटेंशन थोड़ी ढीट होती है, तो उनमें हम पहले ही कॉम्बिनेशन देते हैं ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड या डायोरेटिक से शुरू करते हैं। ये स्टेप वन है हमारा, ये सिंपल सा चार्ट है कि हम किस तरह से पेशेंट को, कौन से पेशेंट को हम कौन सी ड्रग्स देते हैं। अच्छा, अब इस पर फेल हो गया, ये इस पर नहीं कंट्रोल हुआ, तो आप इसको फिर कॉम्बिनेशन पे ले जाएं, ए प्लस सी कर दें, ठीक है, एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कर दें, ठीक है, और इधर इस वाली क्लास में ए प्लस डी कर दें, किसी में भी ए प्लस सी कर दें या ए प्लस डी कर दें, यानी कि ए के साथ या सी ऐड कर दें या डी ऐड कर दें। ये भी फेल हो गया स्टेप टू भी, तो आप तीनों का कॉम्बिनेशन दें, ठीक है, ये भी फेल हो गया, तो अब अल्फा ब्लॉकर्स जो है वो बीटा ब्लॉकर ये सब चीज़ें ऐड करें और स्पेशलिस्ट एडवाइस सीख करें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वो है कि ए फॉर एंजियोटेंसिन एंजाइम ब्लॉकर्स या एस इनहिबिटर्स या और सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी फॉर डायूरेटिक्स जो है थायजाइड डायूरेटिक्स, ये जो कोइजी डे बड़ी मशहूर मारूफ है इसमें थायजाइड डायूरेटिक है और साथ में कॉम्बिनेशन ड्रग है कोइजी डे जो है, तो उसमें थायजाइड डायूरेटिक है और साथ में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, बड़े लोग यूज़ करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3 भी कर सकते हैं आप रेजिस्टेंट केसेस में जो के डबल ड्रग रिजीम पे नहीं ट्रीट होते उनके लिए ट्रिपल ड्रग रिजीम, और उससे भी फर्दर अगर नहीं होते तो मजीद जो है मकसद क्या है, टारगेट बीपी अचीव करना। जो हेल्दी पेशेंट है जिनको हाइपरटेंशन के अलावा और कोई मसला नहीं है, उनमें 140-85 लेवल होना चाहिए, इससे कम करने की जरूरत नहीं है, और जो डायबिटिक है या जिनको
हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका एंड ऑर्गन डैमेज है, उनको 130/80 हमारा टारगेट होना चाहिए। प्रिवेंशन में यही है कि हम अपना BMI, अपना वेट कंट्रोल रखें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, अपना सोडियम इनटेक जो है उसको हदूदों को यूद में रखें, 6 ग्राम पर डे से ऊपर बिल्कुल भी सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो कंज्यूम ना करें, और जो है अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपना एक्टिव रखें, ब्रिस्क वॉक करें ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 मिनट्स पर डे, उनके तो कोई माफ़ी नहीं है। लिमिट एल्कोहल कंजम्पशन, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उनका जो अजीम तरीन नुकसान है, बेहतर है कि इंसान उसको अपनी आंखों से देखने से पहले पलट आए। अल्लाह ने हमें बनाया है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें जिनको अल्लाह ने सख्ती से मना किया है, जिनके करीब भी जाने से अल्लाह ने कहा है कि करीब भी मत खटकना इन चीज़ों के, तो अगर इंसान फिर इस लेवल की नाफरमानी करता है तो बेटा उसे सजा भी फिर उसी लेवल की मिलती है। यंग एल्कोहलिक्स को जिस तरह हमने देखा है तड़पते हुए और मरते हुए और फिर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकती। बस मैं आपको यही कह सकती हूँ कि जिस काम को अल्लाह ने हमें बनाया है, जिस चीज़ से उसने मना किया उससे मना हो जाए, अल्लाह की बात पर इतबार करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे अब प्रॉपर आयत याद नहीं आ रही, कि अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन है, ज़ाहिर है कोई भी नहीं। तो अल्लाह की बात पे इतबार करें और अल्लाह की मान लें, फ़ायदे में रहेंगे। कंज्यूम अ डाइट विच इज़ रिच इन फ्रूट्स एंड वेजीज एटलीस्ट 5 पोर्शन अ डे, तो 5 पोर्शन जब बंदा खाएगा उन्हें और की खाना है तो बड़ी अच्छी बात है। फ्रूट्स एंड वेजीज इतने विटामिन होते हैं, इतने मिनरल्स होते हैं, लेकिन एक बनाना है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता, रीनल डिजीज़ में बहुत अच्छा होता है, खैर ये DNS के बच्चों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। और जो टोमेटो है वो रीनल डिजीज़ में अच्छा नहीं होता बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ पोटेशियम। कॉफ़ी रीनल डिजीज़ में अच्छी नहीं होती, खैर कॉफ़ी तो यहाँ रिकमेंड भी नहीं हो रही। और इसके अलावा मैंगो डायबिटिक्स के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। तो इन इस तरह की कुछ एक्सेप्शन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पता है कि फ्रूट्स एंड वेजेज आर ऑलवेज बेनिफिशियल, फुल ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स, एंड दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। और बजाय इसके कि आपने हारियाँ खाएं और चिकन कढ़ाइयाँ खाएं और जिसमें इतने सारा शान मसाला भी डला हुआ हो और जो जहान का ऑयल भी डला हुआ हो, तो दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू कि आप फैमिली के साथ बैठ के 1-2 किलो सेब और खुबानी और इस तरह के, और जब सिट्रस फ्रूट का मौसम हो तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे एक टाइम का अपना लंच या डिनर फ्रूट से करें इंशाल्लाह। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फीचर्स। की प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि आप मरीज को आपने क्या बताना है कि आपकी बीमारी किस स्टेज पे है और कितनी खतरनाक है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है या बुरा है। तो वो लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है कि जब पेशेंट को आपने डायग्नोज किया तो माइल्ड ब्लड प्रेशर था, मॉडरेट था या सीवियर था। सीवियर था प्रोग्नोसिस बुरा है, माइल्ड था प्रोग्नोसिस अच्छा है। अभी बात आपके हाथ में है, अभी आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज है कि नहीं है, रेटिना डैमेज है या नहीं, रीनल डैमेज है या नहीं, कार्डियक जो है वो डैमेज या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या वेंट्रिकुलर डायलेटेशन या कार्डियक फेलियर तक बात पहुंच चुकी है या नहीं, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो अच्छी बात है तो बुरी बात है। को एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, साथ में लिपिड प्रोफाइल खराब है या नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, ओबेस है कि नहीं, मेल सेक्स है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है प्रोग्नोसिस बुरा है, एब्सेंट है प्रोग्नोसिस अच्छा है। एज एट प्रेजेंटेशन, अर्ली एज में प्रेजेंट किया ग्रेटर रिस्क, ठीक है, इतनी जल्दी ही काम शुरू हो गया। सेवरल स्टडीज हैव कन्फर्म दैट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, इवन ऑफ माइल्ड हाइपरटेंशन, विल रिड्यूस द रिस्क Not only of the stroke but of the coronary artery disease as well. Treatment करेंगे, stroke का risk भी कम होगा, coronary artery disease का risk भी कम होगा, heart attack का risk कम होगा, फालिज का risk कम होगा, patient के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको unattended ना छोड़ें, attention दें, treatment करें और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजारें। Any question? मैम उसके ऊपर प्रेजेंट था ना कि सिलेक्टेड पेशेंट को हमने करना है, मैम सिलेक्टेड पेशेंट कौन से होंगे? सिलेक्टेड पेशेंट जिन पे इन्वेस्टिगेशन जो सिलेक्टेड पेशेंट पे करनी है वो ये कि जो यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं ना, तो उनमें आपने सेकेंडरी कॉज को रूल आउट करना होता है, उसमें आपने ढूंढना होता है। आप देखिए 20 साल के लड़के को ब्लड प्रेशर क्यों होगा? हमने एसेंशियल हाइपरटेंशन में पढ़ा है कि ये मल्टीफैक्टोरियल होता है और ये थोड़ी 40+ की एज में जाके होता है या 35+ की एज में जाके होता है, ठीक है।
तो अगर एक 20 इयर्स के बंदे को या 25 इयर्स के बंदे के ब्लड प्रेशर लेवल्स आपको हाई मिल रहे हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि देयर मस्ट बी अ कॉज, क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसके साइन के तौर पर ब्लड प्रेशर साथ में आ रहा है। तो इसलिए सिलेक्टेड पेशेंट वो जिनको हमने रूल आउट करनी होती है, सेकेंडरी कॉज, सेकेंडरी हाइपरटेंशन या स्पेसिफिक डिजीज रूल आउट करनी होती है, उनमें हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। 50-60 साल का बंदा जब हमारे पास आता है, या वो पेशेंट जो ट्रीट नहीं हो रहे होते जो है वो आर्म ड्रग्स से, उनकी ब्लड प्रेशर उनका बहुत रेजिस्टेंट होता है, तो उनमें भी हम कॉज ढूंढ सकते हैं। लेकिन मोस्टली स्पीकिंग ज़्यादातर सिलेक्टेड पेशेंट्स में जो हम ट्रीटमेंट्स जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को की कॉज ढूंढने के लिए हम करवाते हैं। ठीक है? यस मैम। जी बेटा, और मैम ये जो हम हाइपरटेंशन के लिए पेशेंट्स को ये कम ऑयली फूड रिकमेंड करते हैं, तो मैम ये जो एयर फ्रायर की प्रोडक्ट्स होती हैं वो खा सकते हैं वो? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कितना थोड़ा सा ऑयल, एक चंद कतरे ही उसमें लगाना होता है, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है वो। और आम जो अवन होता है, या आप प्रेशर कुकर में कुछ भी जाली वगैरह रख के स्टीम, या किसी भी पतीली के ऊपर कोई स्ट्रेनर रख के आप उसके ऊपर मीट या जो भी आप करना चाहते हैं उसको स्टीम कर सकते हैं। एयर फ्रायर तो 25-30 हज़ार का ही आएगा ना, तो आप स्टीम कर सकते हैं किसी भी, आप चिकन को किसी भी तरह सॉफ्ट सा थोड़ा बहुत जो मसाला लगाते हैं लगा के आप उसको स्टीम कर सकते हैं घर में एक घंटे में। वो आम चूल्हे को वो एक घंटे में स्टीम हो जाता है, प्रेशर कुकर में वो हाफ एन आवर में स्टीम हो जाते हैं। तो आप ट्राई करें स्टीम फूड की जो रेसिपीज हैं, उसमें जीरो ऑयल होता है, उसमें कोई ऑयल की जरूरत नहीं होती, दैट आर रियली टेस्टी, यू कैन हैव इट। ओके मैम। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, वो आपको मेल भी की थी, एक इशू डिस्कस करना था आपसे, लास्ट जो क्विज हुआ है उसके लिए मैम आपकी मेल नहीं रिसीव हुई थी, और ग्रुप भी जो है वो लॉक था, इस वजह से क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिल सका, तो काफ़ी देर के बाद वो मिला था, तो सबमिशन जो है वो मैंने 10 AM पे कराई थी मैम, और LMS पे भी इनरोलमेंट नहीं है, 2 बार लिस्ट में नाम भेज चुकी हूँ। बेटा जितनी मुझे लिस्टें आई हैं मैंने सबको करने की कोशिश की, बाज बच्चों की दफ़ा ना वो लिखा हुआ आता है कि नो सजेशन, जिसका मतलब है या तो आप कहीं और एनरोल हैं या फिर आप ऑलरेडी एनरोल हैं। अब मुझे उसमें नहीं समझ मैम, पहले सेक्शन डी में डॉक्टर मरियम के सेक्शन में थे, देन वो मर्ज होके आपके सेक्शन ए में आया है, और पोर्टल पे सेक्शन ए ही शो हो रहा है आपका। चलो ठीक है, आपने अब यूनिवर्सिटी ओपन है ना, किसी वक्त आके मुझसे करवा लेना मैम, लेकिन अभी तो हम आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा खैर देखते हैं, एक सेकेंड LMS पे जाते हैं, एक मिनट दो मुझे, आप लोगों की अगली क्लास तो नहीं है? नो मैम। मैम ना इस पे LMS खोलते हैं, और ए सेक्शन के जो बच्चे एनरोल नहीं है मैम, जिनका आपने रीटेक लेना है वो किस दिन होगा? नेक्स्ट वीक, अगले 3 लेक्चर्स पढ़ लें। अच्छा आप चुप तो करो ना, मुझे ये काम करने दो। LMS, न्यू LMS किधर गया? इधर ही तो था।
ये तो आपके वाला ना पार्टिसिपेंट साइन इन, नहीं बेटा ये मेरे सिस्टम पे ही ओपन होगा, फिर आप ऐसा करें कि अभी भी मुझे बता दें कौन कौन से बच्चे रहते हैं, फिर मैं उनको देख लेती हूँ। मैम फिर आपको मेल कर देते हैं अभी। मैम मैंने आपको मेल की थी, 7 से 8 स्टूडेंट हैं, वो देख लीजिएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद। मेरा नाम अहमद, मोहम्मद अहमद। ओके ओके चलिए ठीक है, मोहम्मद अहमद के नाम से। मैम और क्विज की सबमिशन उसके रिप्लाई में भी आपको मेंशन कर देती हूँ, वो भी चेक कर लीजिएगा। चलिए आप कर दें, लेकिन मैं जो है वो 5 मिनट से ज्यादा लेट सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होंगी बेटा, आपकी रीजन जो भी थी। मैम हमें मेल ही नहीं आई आपकी, मैम और ग्रुप भी क्लोज था, हमें क्वेश्चन पेपर ही लेट मिला, मैंने .10 पे सबमिट करा दिया था। बेटा मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती, जिनकी लेट सबमिशंस हैं दे हैव टू गिव इट अगेन सो दैट यू पीपल विल नॉट डू दिस थिंग अगेन। और फिर आप गजब खुदा का ये है कि आप 3-3, 4-4 दिन बाद भी मुझे पेपर भेज रहे हो, बात है करना। मैम इतना आसान पेपर था, 10 मिनट में हो गया था। मैम 10:15 तक था सबमिशन टाइम, तो 10 वालों के तो सबमिट हो गया होगा। मैंने हाँ देखो 10:15 का क्या मतलब है कि 9:30 दो मिनट ऊपर भेजा होगा मैंने आपको, 9:30 पे मैंने आपको पेपर भेजा और मैंने 10:15 आपको, अब इसमें कितना 45 मिनट बनते हैं बेटा, बहुत ज्यादा टाइम था। मैम अगर 10:15 सबमिशन टाइम है तो फिर मैंने टाइम से पहले ही सबमिट कराया है। चलें फिर बहुत अच्छी बात है ना, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने जब मैंने आपको पेपर भेजा है उससे मैंने 40-45 मिनट रखने हैं, तो फिर उससे ऊपर तो मैं नहीं ना लिमिट दे सकती, आप खुद बताएं, कोई इसके लिए 15 मिनट्स नहीं थे, 20 मिनट्स थे। मैंने .10 AM पे सबमिट करा दिया था, मेरी मेल सेंड हो चुकी थी आपको, तो 10:15 से पहले ही मेरी सबमिशन है, तो आप कंसीडर कर लीजिएगा। हाँ जी वो तो फिर मैं जरूर करूंगी। ओके अल्लाह हाफिज़।